नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपने अल्लादीन के चिराग से उत्तर प्रदेश को हर मामले में नंबर एक बना दिया है। सत्ता संरक्षित अपराधों में नंबर एक, रोजगार विनाश में नंबर एक, कोरोना की धीमी जांच में भी नंबर एक, किसानों की बदहाली में भी नंबर एक, बीमार स्वास्थ्य सेवाओं में भी नंबर एक, गड्ढा युक्त सड़कों में भी नंबर एक, जातिगत भेदभाव में भी नंबर एक, खराब शिक्षा में भी नंबर एक और अन्याय में भी उत्तर प्रदेश अब नंबर एक की पोजीशन पे आके खड़ा हो गया है। सपा अध्यक्ष ने बयान जारी करते हुए कहा था कि भाजपा सरकार में किसान सबसे ज्यादा परेशान है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है, वे बीमा कंपनियों के छलावे के शिकार हो रहे हैं। खड़ी फसल को अन्न पशु बर्बाद कर रहे हैं। बिजली कटौती से खेतों में बुझाई के काम में बाधा पड़ रही है, जबकि बाजार में बिचौलियों की वजह से सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा था कि देश में पहले से ही बेकारी चल रही है, कोरोना काल में इसमें और ज्यादा वृद्धि हुई है और श्रमिक अब भी अंधेरे में भटक रहे हैं। उस पर कुवैत में अप्रवासी कोटा विधेयक आने के बाद 8 लाख भारतीय बेकार हो जाएंगे, वे वापस आ सकते हैं। ऐसे में देश के अंदर इनके लिए रोजगार ढूंढना आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव जी ने आगे कहा कि भाजपा विधायकों और सांसदों ने प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। निर्दोष पर जुल्म जास्ती और उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। आज 8 पुलिस कर्मियों की मौत का जिम्मेदार अपराधी भी पकड़ के बाहर है। झोपड़पट्टी निवासी ठेला चालक को उत्तर प्रदेश की सरकार ने रुपये 21.76 लाख की क्षतिपूर्ति न कर पाने की दशा में गिरफ्तार कर लिया। अमीरों की भाजपा सरकार ये जान ले कि गरीब के पास अगर इतना होता तो वो आपके झूठे मुकदमों की सच्ची वसूली के खिलाफ उल्टा ठोकू सत्ता पर ही मुकदमा ठोक देते। अखिलेश यादव जी ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में असहमति की आवाज उठना अपराध है। लोकतंत्र में सत्ता दल जितनी महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की होती है, लेकिन भाजपा एकाधिकारवादी मनोवृत्ति से चलती है। अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन उसे नागवार गुजरता है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि राजधानी लखनऊ में एक गरीब रिक्शा वाले के 21.5 लाख के जुर्माने की वसूली का नोटिस थमा दिया। रिक्शा चालक की कानूनी लड़ाई लड़ेगी और इसकी मदद भी करेगी। समाजवादी पार्टी रिक्शा चालक की मदद करेगी और उनके साथ खड़ी रहेगी। सीएए और एनआरसी के विरोध में लखनऊ में हुए प्रदर्शन के दौरान अपने रिक्शे पर बिठाकर किसी को लाने के आरोपित मोहम्मद कलीम को पहले जेल भेज दिया गया और उनके ऊपर संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार बताकर इतने लाखों रुपए का नोटिस थमा दिया। गरीब के पास जुर्माना भरने के लिए रुपये नहीं मिलते, मिले तो उसे फिर जेल भेज दिया गया। मोहम्मद कलीम अपनी पत्नी नरसिंह के नरगिस के साथ जानकीपुरम सेक्टर 2 में ईदगाह के पास झोपड़ी बनाकर रहता है। दोस्तों, योगी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है। भाजपा सरकार की बात करें तो योगी सरकार तो ठीक है, भाजपा सरकार की बात करें तो गरीबों की सरकार है ही नहीं। आपने देखा होगा, ये लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, तब अमीरों को हवाई जहाज से लाया जा रहा था, बसों में बिठाकर उनके बच्चों को लाया जा रहा था।
और गरीबों की क्या हालत हुई, उनको पैदल चढ़ना पड़ा, उनके लिए वाहन नहीं मिले। आखिर में वो पैदल चले, पैदल चलते चलते अपने गांव पहुंच रहे थे, पर उन बॉर्डर ही सील कर दी गई। उधर उनको मारा गया, उधर उनको इतना परेशान किया गया कि वो लोग खुद ऐसा सोचने लगे कि हम कौन से अपने अपने राज्य में आए हैं कि कहां हम अमेरिका में पहुंच गए हैं। दोस्तों, भाजपा सरकार का पहले से यही एजेंडा है कि गरीबों को मारो, गरीबाई नहीं खत्म करनी है, गरीबों को खत्म करने का एजेंडा है। भाजपा सरकार का पहले से यही एजेंडा रहा है। और कोई भी स्टेट देख लो जहां भाजपा की सरकार है, वहां आप देख लो गुजरात के हाल देख लो। गुजरात में अनलॉक होने के बाद केस की बढ़ोतरी हुई है, और आप देखने जाओ तो उनको कहा गया था जनता को कि आपको मुफ्त राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री जी खुद ऐलान करके गए हैं कि हमने इतने लोगों को, इतने करोड़ लोगों को राशन दिया, पर किसको मिला आप देखने गए हो? आपके अधिकारी ने आपको बता दिया, आंकड़े दे दिए, आपने बोल दिए, आप देखने गए थे क्या किसको मिला किसको नहीं मिला? गरीबों के हाल दर से बदतर थे। लॉकडाउन में उन लोगों के पास खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं था, वो भूखे मर रहे थे। आप देखे होंगे सूरत में, बॉम्बे में, दिल्ली में श्रमिक लोग रोड पे उतर आते थे। लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ता गया, उन लोगों को भूख के मारे मरने लगे थे। आखिर में उनको सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिखी तो पैदल चलने लगे। और आपने देखा होगा, राजस्थान से बस में, कोटा से बस में बिठाकर उत्तर प्रदेश लाया गया अमीरों के बच्चों लड़कों को। बाहर विदेश में फंसे थे हमारे भारत के लोग, उनको हवाई जहाज में बिठा के लाया गया। पर ऐसा नहीं कि गरीबों की मदद करे। और समाजवादी पार्टी, जब से लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल हमारे देश में आया, तब से समाजवादी पार्टी गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रही और उनको खाना पहुंचाया, उनको मदद की, और आखिर में अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार उन बच्चों को दूध भी बांटा गया, दूध की भी सेवा दी गई। जितना समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, खास करके कोरोना काल में, जितना पब्लिक जनता को संभाला है, जितना खाना दिया है, उतना योगी सरकार काम करने में असमर्थ रही है। और आज तक इतने साल हो गए योगी सरकार को, चौथा साल लग गया, फिर भी योगी सरकार ने आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी काम नहीं किया है। बस नाम बदलो और ठोको नीति से चल रही है योगी सरकार। दोस्तों, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। युवा चेहरे को अगर सत्ता देंगे तो वो कुछ आगे बढ़ाएगा। और आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही काम यूपी की जनता को काम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी काम उत्तर प्रदेश में काम नहीं आ रहे हैं। चाहे कोई भी स्टेट हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पूरा विकास के नाम पे जीरो है। बताते हैं गुजरात मॉडल, पर गुजरात में आके देखिए, आपको पता चलेगा कैसा मॉडल है। दोस्तों, एक ही मिशन है, 2022 में समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। नमस्कार।